नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शहर के अलग अलग हिस्सों में सड़क दुर्घटना में 5 लोग हुए घायल, घायलों का एमजीएम में चल रहा इलाज। शादीशुदा शिक्षक ने 14 वर्षीय छात्रा से किया प्यार का इजहार, परिजनों ने महिला थाने में मामला किया दर्ज। जमशेदपुर के डीटीओ ने कहा हर हाल में ऑटो चालकों को करना होगा ड्रेस कोड का पालन। और डिमना स्थित शंकोशाही में टावर लगाने का स्थानियों ने किया विरोध, मौके पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल ने पहुंच काम कराया शुरू। खबरें अब विस्तार से। मानगो स्थित चेपा पुल के समीप पुलिस वाहन की चपेट में आने से पिता पुत्र घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। मानगो चेपा पुल के समीप बीती रात पुलिस की वाहन से टकराने से बाइक सवार कपाली निवासी फयाज अहमद समेत उनके दो बेटे फरहान अहमद और मोहम्मद कैफ घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती कराया गया है। ये आजाद बस्ती चेपा पुल है और जिप्सी में 5 लोग थे, जिसमें 3 बॉडीगार्ड थे, 2 सिविल में थे। अच्छा, क्या हुआ है? हुआ यही है कि पुरुलिया रोड से जिप्सी आ रहा था और 3 सवार एक बाइक में थे, आजाद चेपा पुल से आ रहे थे पाटी तरफ से, और जिप्सी ने ठोकर मारी है, आदमी को लग गया चोट, पैर टूट गया है। हम लोग सब मिलकर जिप्सी को पकड़े, जिप्सी भाग रहा था, जिसमें हम लोग सब मिलकर जिप्सी को रुकाया गया है और हम लोग घायल जो भी हुआ है हम लोग एमजीएम भेजे हैं। कितने लोग घायल हुए हैं? 3 लोग हैं, जिसमें से एक थोड़ा गंभीर रूप से है और 2 लोग थोड़ा नॉर्मल से घायल है, बट उसको भेजे हैं। बच्चा बताया? हाँ जी, बच्चा। वहीं साक्षी स्थित गोल चक्कर के समीप बुलेट सवार चालक ने एक बुजुर्ग को धक्का मार दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया है। बिना हेलमेट का था वो लोग, और डैडी के पास गाड़ी चढ़ा के लोग सीधा निकल गए स्पीड में। ये क्या कर रहे थे? ये रोड क्रॉस कर रहे थे। अच्छा, और चेकिंग डर से तुरंत गाड़ी लेकर भागा बुलेट लोग अपना। कितना लोग था बुलेट में? बुलेट में एक ही लोग था जहाँ तक पता है। क्यों भाग रहा था? चेकिंग चल रहा था, हेलमेट ही पहना हुआ था वो लोग। अच्छा, उसके डर से गाड़ी चढ़ा के भागा सीधा। पकड़ाया नहीं। कहाँ के हैं ये, क्या कर रहे बता रहे? ये भी यहाँ चाय लेके आ ही रहे थे, रास्ता क्रॉस कर रहे थे, उसको चढ़ा के पार होके भाग गया वो लोग। इधर गमहैया स्थित रेलवे क्रॉसिंग के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। गमहैया स्थित रेलवे क्रॉसिंग के समीप ट्रेन की चपेट में आने से दिव्यांशु टोपनो नामक युवक घायल हो गया। गंभीर स्थिति में स्थानीय लोगों ने युवक को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया है। मंगल सिंह टोपनो। कौन है आपका? मेरा बेटा है। क्या नाम है? दिव्यांशु टोपनो। कहाँ कराने वाले आप लोग? बस्को नगर गमरिया। थाना भी गमरिया। कैसे, क्या हुआ है? तो सवेरे हमको तो मालूम नहीं था कि सवेरे हम तो उठे, बोले बाबू पानी तुम ले आओ, तो पानी लाया नहीं, वो चल गया। इसके बाद थोड़ा देर में फोन आ रहा है बस्ती वाला लोग कि दिव्यांशु किसका बेटा है, तो हम बोले मेरा बेटा है। क्या हुआ? बोला कि आपका बेटा एक्सीडेंट हुआ है। क्या चीज़ से? बोला ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है। बोला हम लोग कहाँ है? तो गमरिया स्टेशन के पास। बोला हम लोग कहाँ, कौन जगह? तो गमरिया स्टेशन फाटक है, वो फाटक के सामने से। बोला तो फिर इसके बाद हम लोग तुरंत जल्दीबाजी में गया, बैग से खोजते हुए तो वहाँ बैठा हुआ था, और गाँव का आदमी लोग भी था 2-3-4 को। बोला ये आपका लड़का है? हाँ, मेरा लड़का है। इसके बाद हम लोग फिर उठा के हम लोग एम्बुलेंस ले आए। और वहीं सरायकेला खरसवा जिले के आदित्यपुर थाना के शांति नगर के समीप 10 चक्का ट्रक ने 15 वर्षीय युवती का पैर कुचल दिया। ग्रामीणों ने ट्रक और चालक को आदित्यपुर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि युवती सापड़ा के तेतुल डांगा की रहने वाली है। वह सुबह गमरिया बाजार से खरीदारी कर लौट रही थी, पीछे से 10 चक्का ट्रक के खलासी साइड गिरने से युवती का पैर ट्रक का चक्का चढ़ने से बुरी तरह कुचल दिया। वहीं ड्राइवर ने बताया कि ट्रक में जिप्सम लोड है, जो गमरिया से सापड़ा जाने के क्रम में युवती मोटरसाइकिल से टकराने से साइकिल गिर गई और चक्का के नीचे पैर आने से घटना हुई।
वहीं तत्काल आदित्यपुर थाना कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त करते हुए चालक को हिरासत में ले लिया। कहां से गाड़ी लेके आ रहे थे? यही गमरिया से लेके आ रहे थे, भट्टी में खाली करने जा रहे। क्या है गाड़ी? जिप्सम। कैसे हो गया ये मामला? साइकिल पे बैठी थी लड़की, मोटरसाइकिल खड़ी हुई, मोटरसाइकिल में साइकिल टकराई, लड़की गिर गई। आपकी गाड़ी से टक्कर नहीं हुआ? हमारी गाड़ी के नीचे गिरी है, तब रेलवे कार के पैर आया। मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश कौन है आपका? वो मेरा बहन लगती है। बहन है? हाँ। क्या नाम है बहन का? सुनीता गोप। सुनीता गोप नाम। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग तैतुल डंगा में। थाना? थाना आदित्यपुर। क्या हुआ है, कौन गाड़ी मारा है? मार्शाली गाड़ी में मारा है। मम्मी और बहन आई थी सामान खरीदने, फिर सामान खरीद के लौट रही थी घर, फिर वहाँ रोड के किनारे खड़ा था, फिर वो आके मारा है। बड़ा गाड़ी है? हाँ बड़ा गाड़ी, मार्शाली है। अच्छा, गाड़ी पकड़ाया? गाड़ी तो पकड़ाया है, फिर थाना में। कौन थाना? आदित्यपुर थाना में है। कहाँ पे हुआ घटना? कहाँ पे हुआ है? ये शांति नगर में। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर DTO ने कहा, हर हाल में ऑटो चालकों को करना होगा ड्रेस कोड का पालन। जमशेदपुर DTO दिनेश कुमार रंजन ने कहा कि टेम्पो चालकों को हर हाल में ड्रेस कोड का पालन करना होगा, इसके लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। ड्रेस कोड के लिए आदेश निर्गत हो चुका है और जितने भी ऑटो चालक हैं उन लोगों को एसोसिएशन के साथ मिलकर भी हम लोगों ने बैठक करके निर्देश दिया है कि आप जो है ड्रेस कोड पहने ताकि आपकी आइडेंटिटी बनी रहे। तो अगर कहीं इस तरह का उदाहरण मिलता है कि कोई ड्रेस कोड नहीं पहन रहा है तो हम लोग जो है सभी ट्रैफिक थानों को सभी को निर्देश जाएगा कि भाई चेकिंग करें और उस तरह के जो ऑटो चालक हैं जो ड्रेस कोड का पालन नहीं कर रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए। और मकान मालिक की 14 साल की बेटी पर आया शादीशुदा शिक्षक का दिल, रात को मैसेज कर किया अपना दिल का हाल बयां। शिक्षक के खिलाफ महिला थाना में मामला दर्ज। गुलमुरी स्थित रामदेव बगान निवासी एक शिक्षक का दिल अपने ही मकान मालिक के 14 वर्षीय बेटी पर आ गया। जैसे जैसे दिन बढ़े वैसे ही वह उसके प्यार में पागल होता चला गया। उसने किसी तरह युवती का मोबाइल नंबर लिया और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दिल की बात कह दी। युवती ने शिक्षक के हरकत को अपने परिजनों से बता दिया, जिससे उत्तेजित परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ साक्षी स्थित महिला थाना में मामला दर्ज कराया है। एक दिन कॉल किया, बोला कि हम सुमन से बात करना चाहते हैं, 12 बजे के बाद तुम किधर रहती हो? तो वो बोली कि मेरे को आके बोली कि मम्मी ऐसे ऐसे अंकल मैसेज किया। हम बोले कि ओके कर दो, फिर ओके कर दी मेरा लड़की। उसके बाद क्या हुआ कि 12 बजे के बाद वो मैसेज करने लगा, 2 दिन लगातार मैसेज करके हम लोग को परेशान किया। फिर बोला कि हम कॉल से तुमसे बात करना चाह रहे हैं। रात में आपके घर पे भी आया था? हाँ, कॉल से हम बात करना चाह रहे हैं। तो हम बोले ठीक है ओके कर दो। तो फिर कॉल किया, हम लोग कॉल रिकॉर्ड भी किए, जितना व्हाट्सएप में चैटिंग किया वो भी हम प्रूफ रखे हैं पूरा। अब जब मेरे पास सबूत हुआ तब हम थाना गए, महिला थाना गए साक्षी, वहाँ जाके हम केस दर्ज कराए हैं अपना लड़की के खिलाफ, अपना लड़की को लेके और उस टीचर के खिलाफ हम केस दर्ज करवाए हैं और बोले कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा लड़की तो अभी बहुत कम उम्र की है और कहाँ टीचर है, 2 बच्चा का बाप है। हम चाह रहे हैं कि मेरा लड़की को इंसाफ मिले। उधर डिमना रोड स्थित शंकोशाही में टावर लगाने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। मौके पर पहुंच मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल ने टावर लगाने का काम शुरू करवाया। डिमना रोड स्थित शंकोशाही रोड नंबर 1 में स्थानीय लोगों ने मोबाइल टावर लगाने का विरोध कर दिया। इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने टावर का काम रुकवा दिया और नारेबाजी करने लगी। मौके पर पहुंचे मजिस्ट्रेट एवं उलीडी पुलिस ने स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद बलपूर्वक टावर लगाने का काम शुरू कर दिया गया। आप लोग? हम लोग टावर के चलते विरोध कर रहे हैं कि यहाँ नहीं करने देंगे, पूरा बस्ती वाला का हानि है, नहीं करने देंगे, चाहे जो कुछ हो जाए नहीं करने देंगे, समझे? आखिर क्यों? क्या टावर गिरने से बीमारी फैलता है, बस्ती में टावर जिसे घर बना ले अपना, जिसका जमीन है वो घर बना भी अपना। तो सरकार का आदेश टावर लगना है,
सरकार का आदेश नहीं है, ये सब अपना घूस दे के करा रहा है, पैसा मिला है घूस दे के करवा रहा है, समझे? सरकार कहता है सबको मार दे, बस्ती में मार दो सबके, ये सब पैसा दे के, जो पैसा दिया घूस दे के, सब पुलिस को सब घूस दे के बुलाता है। देखिए अज्ञानतावश हम बता रहे हैं कि अज्ञानतावश हो रहा है, जबकि सरकार का पूरा गाइडलाइन है और जिला प्रशासन का जो है यहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ है और हम लोग हमको मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ विधि व्यवस्था देखने के लिए किया गया, तो टावर तो लगना तय है, ठीक है, और आज चूंकि हल्का फुल्का विरोध हो रहा है तो हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि सब लोग समझ रहे हैं, सभी को जो है कि इंटरनेट चाहिए, सभी को मोबाइल चाहिए, तो उस तरह का एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं चूँकि मैं मजिस्ट्रेट हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि ये भी एक मूलभूत जरूरत है। उधर 8 वर्षों से बंद पड़े बिहार स्पंज आयरन कंपनी खुलने के बाद भी मजदूरों की समस्या खत्म नहीं कर पा रही है। मजदूर अपने पुराने मानदेय और पद की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड स्थित बिहार स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन के आदेश पर 2013 को बंद किया गया। पिछले 8 वर्षों के बाद कंपनी खुलने के बाद भी अपनी मजदूरों की समस्या का निवारण नहीं कर सका है। वहीं पूर्व से कार्य कर रहे मजदूर संगठन बिहार स्पंज आयरन श्रमिक संगठन के बैनर तले प्रेस प्रवक्ता मनोज वर्मा के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रबंधन को चेतावनी दी। मनोज वर्मा ने कहा कि बिहार स्पंज आयरन संचालित करने के पूर्व श्रमिक संगठन के सभी मजदूर प्रशिक्षित मजदूर के पद पर नियुक्ति कर प्रशिक्षित मानदेह के साथ काम दिया जाए, मजदूर के योग्यता के आधार पर कार्य में रखा जाए, कंपनी स्थापना नियमावली के आधार पर कंपनी के विस्थापित मजदूरों को प्राथमिकता दिया जाए। वहीं मनोज वर्मा ने कहा कि कंपनी इन बातों को नजरअंदाज कर कार्य करती है तो बिहार स्पंज आयरन श्रमिक संगठन कंपनी के विरोध धरना प्रदर्शन करेगी। बिहार स्पंज श्रमिक संगठन के द्वारा एक बैठक रखे थे सभी श्रमिकों के लिए और कर्मचारियों के लिए। मेन मुद्दा हम लोगों का है, आज 8 साल बाद कंपनी खोल रही है, हम लोगों को बहुत खुशी है, लेकिन एक बात है, हम लोग ये जमीन को छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम लोगों को नौकरी चाहिए, जो स्थिति में नौकरी है, हम लोगों का जितना पेमेंट था, वेतनमान था, वो मिलना चाहिए, और जो योग्यता है हमारी, वो योग्यता के अनुसार हमें नौकरी मिलना चाहिए। इधर ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल की ओर से जिले में किया गया कमेटी का गठन। ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल के प्रतिनिधि मंडल ने जिले में अपनी कमेटी का विस्तार किया गया है। नई कमेटी का कार्य संविधान को संरक्षण करना एवं कानूनी जागरूकता अभियान चलाना है। ये ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जितने भी हमारे भारतवर्ष में स्टेट है, सारे स्टेट्स के जो है अभी तक 7 स्टेट्स में जो है इसका फॉर्मेशन हो चुका है और धीरे धीरे सारे स्टेट्स में इसका फॉर्मेशन होगा। हमारे जो है 12 सितंबर 2021 को झारखंड स्टेट में हमारा AILC का झारखंड चैप्टर का जो है फॉर्मेशन हुआ कमेटी का, और उसके बाद हम लोग जो है अब हमारे झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर जो है हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। AILC का जो मेन मकसद है, जो इसको गठन करने का जो रीज़न है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सिक्योर करना। आज कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी अधिकार दिए गए हैं, जिसके साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उसका संरक्षण करने के लिए इस कमेटी का किया गया है। इसमें स्पेशली एडवोकेट्स का ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेकुलर लोगों का जो है इन्वॉल्वमेंट है, उन्हें ही मेंबरशिप दिया जा रहा है, उन्हें ही जो है पदवी दिया जा रहा है। इसमें आम जन जो है, जो गरीब लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हो रही है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उन लोगों तक न्याय को पहुँचाना, उनको न्याय दिलाना इसका खास उद्देश्य है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। आपके कर्मों से होगा नए कल का निर्माण, सच्ची भक्ति और आस्था से होगा जीवन का कल्याण। भागवत क्या है? आत्मज्ञान को पैदा करने का एक सिद्धांत है भागवत। भवतन्न मनसव सचेत सावरे पसौ मा यज्ञम हिम शिष्टम मा यज्ञपतिम।
श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्र देव जी सरस्वती महाराज के पावन सानिध्य में, सिद्ध गौड़ा सिनेमा ग्राउंड टाटा नगर जमशेदपुर झारखंड से, श्रीमद् भागवत कथा का 2 से 8 दिसंबर दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए सत्संग पर। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे कैटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफायती और लजीज चाइनीज व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ। इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को, जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत वेरी नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं, हमारे पास हम सेवा करते हैं। चौबीस घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है और सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7004711534 एंड 8084704699। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है।
आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर, लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956158। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी के निवासी पिछले 10 दिनों से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। थकार कर हाउसिंग कॉलोनी के लोगों ने बागबेड़ा पानी टंकी के समक्ष प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से जल्द इस समस्या को दूर करने की मांग की। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को समिति बनाकर इस जलापूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है। इस एवज में कनेक्शन के तौर पर सभी कॉलोनी वासियों ने 1,000 रुपए जमा किया और हर माह 100 रुपए के हिसाब से सभी भुगतान करते हैं, पर लगातार मोटर खराब हो जाने की वजह से स्थानीय लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। इधर पिछले 10 दिनों से मोटर खराब हो जाने की वजह से पूरे क्षेत्र में स्थानीय लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, पर पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। थक हार कर स्थानीय लोगों ने बागबेड़ा 1 नंबर रोड स्थित पानी टंकी के निकट प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से मांग की कि इस व्यवस्था को जिला प्रशासन हैंडओवर ले और स्थानीय लोगों को सुचारू रूप से जलापूर्ति करे। वहीं जानकारी देते हुए सुबोध झा ने कहा कि 10 दिनों से स्थिति विकराल होते जा रही है, लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही हाल रहा तो स्थानीय लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन होगी। को शुद्ध पानी देना होगा, देना पानी नहीं आ रहा, इसके लिए हाय हाय। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मांग है कि हम लोग को अब शुद्ध पानी मिलना चाहिए। पंचायत से अगर यह व्यवस्था नहीं सुदृढ़ हो रही है, नहीं चल पा रही है, तो जिला प्रशासन को सुपुत करे, विभाग को सुपुत करे, सरकार को सुपुत कर दे, जिससे कि हम लोग जन आंदोलन करके जिस तरह से इतनी बड़ी पाइपलाइन का योजना को लाए हैं, उसी प्रकार से पुनः हम लोग जो है इस योजना को हम लोग सही रूप से चलाने में हम लोग विभाग पर घेराव प्रदर्शन करेंगे और इससे हमारा समस्या का समाधान हो सकता है। और यहाँ पर फिल्टर का व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और पंचायत प्रतिनिधि जो है बराबर जो झूठा आश्वासन देकर के जनता को गुमराह कर रही है। ये इसी मांग को लेकर के हम लोग कर रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ से फिल्टर प्लांट चल रहे हैं और उसमें भी अगर आवश्यकता पड़ा तो कल हम लोग डीसी के यहाँ भी जो है हम सभी जनता जनार्दन बागबेड़ा के वासी वहाँ जाएंगे और इसकी मांग को हम लोग इसी तरह से रखेंगे। उधर परसोडी के सोपोडेरा गांधी मैदान में ग्रामीणों ने एक विशाल ग्राम सभा का आयोजन किया। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीण गांधी मैदान को भूमाफियाओं से बचाने के लिए एक साथ एकजुट होकर आंदोलन करने की रणनीति बनाई, जिसका साथ विशाल सभा में पहुंचे पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने दिया। परसुडी सोपोडेरा गांधी मैदान में महात्मा गांधी मेमोरियल सोसाइटी द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां इस विशाल जनसभा में स्थानीय ग्रामीणों ने एक स्वर में भू माफियाओं के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देते हुए जन आंदोलन की रणनीति बनाई। जहां इस जनसभा में पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने शिरकत की और एक स्वर में ग्रामीणों का साथ देने की बात कही। उन्होंने आंदोलन की रणनीति तैयार करते हुए आगामी 10 दिसंबर को अंचलाधिकारी के कार्यालय के घेराव की रूपरेखा तैयार की। वहीं जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने कहा कि वर्षों से गांधी मैदान में महात्मा गांधी मेमोरियल सोसाइटी द्वारा सांस्कृतिक, धार्मिक, बच्चों का खेलकूद, शिक्षा से संबंधित कई कार्यक्रमों का आयोजन होता आ रहा है। इतना ही नहीं, इस स्थान पर सामुदायिक भवन का भी निर्माण कराया गया है। बावजूद इसके समय समय पर भू माफियाओं द्वारा गलत मंशा से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि इस जमीन के सौंदर्यकरण के लिए जिले के उपायुक्त से फंड आवंटित करने की भी मांग की जाएगी। गांधी मैदान का जमीन हम लोग नहीं देंगे,
विभाग, सरकार के विभाग, उसको दिमाग में रखना चाहिए कि जनता से बड़ा कुछ नहीं है। जनता जनार्दन का इतना बड़ा आक्रोश, लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। बहुत यहाँ के जनता को हम धन्यवाद देंगे जो नापी करने आए, मारपीट नहीं हुआ। और जबकि मारपीट हो जाने से इसका इसका जिम्मेवारी कौन लेता, तो सीओ के ऊपर आता। इसीलिए हम लोग 10 तारीख को हम लोग जा रहे हैं। हाँ, जिनका जमीन की बात कर रहा है, जो भी जमीन की वो चैलेंज कर रहा, सरकार से मुआवजा मांगे ले भाई, सरकार उसको मुआवजा देगी। लेकिन ये जमीन को सुंदरीकरण करने के लिए हम डीसी साहब से भी और सारे विभाग से हम लोग इसको सुंदरीकरण के लिए हम लोग 10 करोड़ रुपये का मांग रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश भर में 14 नवंबर से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान पूरे देश में चलाया गया। अभियान के आखिरी दिन जमशेदपुर में जिला कांग्रेस के द्वारा भी रैली निकाली गई, जो बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय से निकलकर बिष्टुपुर गोल चक्कर में समाप्त हुई। देश में लगातार बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, बढ़ती महंगाई के विरोध में ये जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश भर में चलाया गया। जमशेदपुर में इसके समापन के मौके पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली कांग्रेस कार्यालय से निकलकर बिष्टुपुर इलाके के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए बिष्टुपुर गोल चक्कर पर समाप्त हुई। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का जमकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और आम जनता से इस सरकार को दोबारा सत्ता पर जाने से रोकने की अपील की। जन जागरण अभियान और इस जन जागरण अभियान को हम लोगों ने सफलतापूर्वक अपने जिले में किया है। मोदी सरकार की गलत नीतियों को जनता के बीच में बताने का काम किया है। मोदी सरकार जिस तरह से पेट्रोल डीजल की लूट करके पूंजीपतियों को दे रही है, इस तरह हर विभाग में, सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार भरा हुआ है सेंट्रल के, और साथ ही साथ जिस तरीके से मोदी सरकार डेमोक्रेसी खत्म कर रही है, चिंता का विषय है। इधर कागल नगर स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज की ओर से पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। अर्बन सर्विसेज टाटा स्टील की ओर से कागल नगर स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 25 महिला प्रतिभागी समेत 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मैनेजर अर्बन सर्विसेज CSI टाटा स्टील हो, आज हमारा इंटर सेंटर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रहा है। इसमें करीब करीब मेन हमारा 150 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें फर्स्ट टाइम हम लोग का वुमेन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करीब 25 वुमेन इसमें भाग ले रहे हैं। और पोटका प्रखंड के शंकरदा पंचायत में आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार, BDO महेंद्र रविदास, CEO इम्तियाज अहमद उपस्थित रहे। वहीं इस शिविर कार्यक्रम में काफी संख्या में शंकरदा पंचायत के ग्रामीण पहुंचे हुए थे। वहीं तमाम विभाग के स्टॉल भी लगाया गया था। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाने के लिए लोग ज्यादा पहुंचे हुए थे। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर से सटे पटमदा ग्रामीण क्षेत्रों के ऊंचे क्षेत्रों में बारिश वरदान साबित हुआ, जहां इस बार खेतों में दोगुना धान होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और किसान खेतों से धान काट कर खलियान में दौरी कर रहे हैं। किसानों को अब उम्मीद है कि सरकार उनके समय पर धान अच्छी कीमत पर खरीद लेंगे, जिससे किसानों को अच्छा खासा फायदा होगा। वहीं खलियान में धान की दौरी से अलग से रौनक देखने को मिल रही है। ठीक ठाक हुआ है, बारिश में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक है और धान झड़ा चालू है, धान कटाई भी चालू है, धान खेत में लाते जा रहे हैं मौसम के चलते। अभी कहाँ लाए हैं धान? धान अभी खेत में कटाई चल रहा है। और थोड़े दिन में और धान आ जाएगी और झड़ाई चालू होगा और उसी तरह देते जाएंगे। क्या किया जा रहा अभी है? अभी मशीन से धान झड़ाई चालू है। धान झाड़ने के बाद इसको फिर इसको सुखाएंगे और उसके बाद फिर पैक करके और लैंप्स में देंगे। और वही जमशेदपुर के बारेडी स्थित हरि मंदिर मैदान में आगामी 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ में भारत के महान महर्षि संत श्री
त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज शामिल होंगे। गौरतलब हो कि ज्ञान यज्ञ समिति के अनेकों बार के अनुरोध के बाद श्री जीयर स्वामी पहली बार जमशेदपुर की धरती पर पहुंच रहे हैं। 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक लगातार तमाम भक्तों को वे अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करेंगे। वहीं स्वामी जी के सानिध्य में ही 8 दिसंबर को पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राम विवाह का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, अपने धर्म और सांस्कृतिक से प्रेम और लगाव को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज, जिनको पूरा पूर्वांचल देव स्वरूप पूजता है, वैसे स्वामी जी महाराज का पदार्पण जमशेदपुर में हो रहा है और उनके सानिध्य में श्री राम विवाह के पावन अवसर पर 8 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का आयोजन जमशेदपुर के बारीडी बस्ती के हरी मैदान में हो रहा है। इसमें हरिद्वार के श्री रामानुजाचार्य जगत गुरु वैकुंठनाथ जी के मुखार बिंदु से रामचरितमानस का कथा होगा। बक्सर के रामानुजाचार्य जगत गुरु अयोध्यानाथ जी के मुखार बिंदु से श्रीमद भागवत की कथा होगी। जगत गुरु आचार्य गिरधर जी के मुखार बिंदु से वाल्मीकि रामायण पर कथा होगा और एक कथा का प्रक्रिया रोजाना सुबह 12 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक चलेगा। इस पीरियड में लोगों के लिए प्रसाद वितरण और जरूरतमंदों के लिए भोजन की भी व्यवस्था वहां होगी और ये सारे आपके माध्यम से हम शहरवासियों से निवेदन करने के लिए, उनको ये सूचित करने के लिए कि ऐसे संत का आगमन जमशेदपुर में हो रहा है तो आप उससे दर्शन का लाभ लें, आप वहां पर उनका आशीर्वचन सुने। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शहर के अलग अलग हिस्सों में सड़क दुर्घटना में 5 लोग हुए घायल, घायलों का एमजीएम में चल रहा इलाज। शादीशुदा शिक्षक ने 14 वर्षीय छात्रा से किया प्यार का इजहार, परिजनों ने महिला थाने में मामला किया दर्ज। जमशेदपुर के डीटीओ ने कहा हर हाल में ऑटो चालकों को करना होगा ड्रेस कोड का पालन। और दिमना स्थित शंकोशाही में टावर लगाने का स्थानियों ने किया विरोध, मौके पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल ने पहुंच काम कराया शुरू। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।